देखिए, जब मुझे पता लगा कि अजमेर प्रीमियर लीग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है, तो जहाँ स्पोर्ट्स होता है वहाँ मैं अपने आप पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ आना चाह रहा था, मैं आया, लेकिन आज एक अप्रिय घटना की वजह से थोड़ा मेरे प्रोग्राम में फेरबदल है। हमारे साथी विधायक हैं रामलाल जी, पूर्व मंत्री हैं, उनके भाई अचानक किसी बीमारी से उनका निधन होने की वजह से मैं थोड़ा कार्यक्रम में आगे पीछे हुआ। लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी, वहाँ हम लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देकर प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करने की कोशिश करेंगे। जिस खेल मैदान में खड़े हैं काफ़ी दूर तक है, कोई सुधार नहीं है इसके अंदर, मतलब किस तरीके से देखिए, इस खेल मैदान में मैं भी खेला हुआ हूँ और तकरीबन राजस्थान के सभी क्रिकेट के मैदानों में मैं खेला हुआ हूँ। मुझे पता है काफ़ी जगह पर सुविधाओं की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में अभी 4 महीने 5 महीने हुए हैं सरकार को आए हुए। इस सरकार में पार्लियामेंट के चुनाव भी आ गए, 2 महीना आचार संहिता थी। इन 3-4 सालों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार खेल बढ़ेगा और खेल की सुविधाएं बढ़ेगी। स्पोर्ट्स टीचर को लेकर भी काफ़ी परेशानियां हैं कॉलेजों में, स्पोर्ट्स टीचर है ही नहीं, गेम्स ही नहीं है, जहाँ के संभाग के बड़े बड़े कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें भी नहीं है, तो उसके लिए आगे का क्या है? खेल नीति के ऊपर काम चल रहा है, उसके तहत काम किया जाए। एक TA का पैसा सर बहुत कम है, जो छात्र खिलाड़ी हैं वो बाहर जाते हैं तो खाने का भी पैसा नहीं निकल पाता, इतना TA। मैंने आपको बताया पूरी खेल नीति के ऊपर काम चल रहा है और जो प्रतिभावान बच्चे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने का काम करेगी। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम होगा। जानना जी, वो बात सही है आपकी कि आप स्कॉलरशिप देंगे, पर बच्चों को आप तो अनाउंस कर देते हैं कि स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन वो सही टाइम पे उनके पास नहीं पहुंच पाती है। आप MDS यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, बेचारे बच्चे कितने वेस्ट जोन पे जाते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, इतनी गुहार, मीडिया भी छापता है, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसके लिए मतलब क्या कदम उठाएंगे? चांसलर बैठे हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बैठा है, वो मतलब अनसुनी करता रहता है, उससे कितनी भी बात करो बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए, आप लोग तो आगे अपनी घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष की जो बात आप कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास में आएगी उसका एक्शन किया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रक्चर में और सिस्टम में कमियाँ हैं, कोई भी स्ट्रक्चर और सिस्टम पूर्णतया कंप्लीट हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम मेहनत करें, मॉनिटरिंग समय पर करें, तो वो सुधार हो सकता है। कभी कम प्रतिशत सुधार होगा, कभी ज़्यादा प्रतिशत सुधार होगा। हमारे इस समय में हम इसको सुधार को पीक पर लेकर जाएंगे, लेकिन कोई भी काम चमत्कार की तरह 1 महीने में 15 दिन में नहीं होता है। अगर स्ट्रक्चर में खामियां आई हैं तो वो ओवर द ईयर्स 10 साल में 5 साल में 20 साल में आई हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमियां 2 महीने में सुधर जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1-2 साल में। आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, स्टेट लेवल के भी खेले हैं, नेशनल लेवल के भी टूर्नामेंट्स खेले हैं। वाकई में TADA बच्चों को समय पर मिल नहीं पाता है, इसीलिए हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं, ताकि किसी भी एसोसिएशन का मोहताज कोई बच्चा ना रहे और सीधा वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो और गवर्नमेंट से उसके TADA की व्यवस्था और जो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो डायरेक्ट मिलेगी। वो एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस ऐसा होगा कि जिस प्रकार से हर महीने तनख्वाहें निकलती हैं वो एक गवर्नमेंट के प्रोसेस में डाल दिया जाएगा और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जैसे खिलाड़ियों को उभारने के लिए एकेडमी की बहुत ज़रूरत है, एकेडमियाँ बनी हैं पर प्रॉपर कोच नहीं होंगे। एक केवल अपनी ये जो हॉकी एकेडमी चल रही है इसमें अच्छी हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसके अलावा जो एकेडमियाँ बनी है उसमें प्रॉपर कोचेज नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, एकेडमियाँ नया खोलने का आपने कुछ विचार किया कि खिलाड़ियों को कैसे? देखिए, पहले तो जो अकेडमीज़ हैं उनमें मॉनिटरिंग ढंग से हो जाए, मैनेजमेंट ढंग से हो जाए, कोचेज लग जाएँ, उसके बाद में नहीं एकेडमी का सोचेंगे। पहले तो अभी ढांचा हमारे पास में काफ़ी है, पर संभालने, सुधारने, प्लानिंग, मॉनिटरिंग की बहुत कमी है, उसको हम सुधार करें। जैसे कि मैं की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आ रही है बड़ा चर्चा कि कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा के पक्ष में हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अगर ऐसे हैं तो वो बता दें, कांग्रेस के वो विधायक खुल के बोल दें तो हमको भी पता लगे, हमको तो ऐसा कभी सुनने को, देखने को, समझने को मिला नहीं। और वो तो कह रहे थे पार्लियामेंट चुनाव से पहले मोदी जी की बंगाल के 40 MLA उनके टच में, बाद में 2 ही MLA निकले, तो इनके सत्य में और झूठ में कितना फ़र्क है, 40 और 2 में कितना फ़र्क है, उतना इनकी बातों में फ़र्क। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि 27 जुलाई के बाद जो पार्लियामेंट का हो जाएगा सत्र पूरा, उसके बाद बहुत बड़ा फेरबदल होगा। ज्ञानदेव आहूजा जी तो भोंकू की तरह केवल बोलते रहते हैं,
उनको पता नहीं वो बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, उनको तो केवल वो अनर्गल बयान देकर समाचारों में न्यूज़ में बने रहने का उनको शौक है मुझे लगता है, बाकी उनकी बातों में अर्थ कुछ नहीं निकलता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो जीतते कैसे चुनाव, ज़मीन पर उनका कोई काम नहीं, उनके इलाके में मैं जाके आया हूँ, केवल अनर्गल बयान देकर पत्रिकाओं में न्यूज़ में बने रहने का उनका एक वो एजेंडा है, वो उनका चलता रहता है, उनका प्रोसेस है वो। आप अजमेर में आए हो तो अजमेर के खिलाड़ियों के लिए जो एक आपने सामने ग्राउंड देखा ही है, इसके अलावा कुछ पटेल स्टेडियम है जो बीच में बिल्कुल सेंटर पड़ता है, इसके लिए कुछ आपने गाइडलाइन तैयार करी हो या कुछ खिलाड़ियों के लिए कुछ सोचा हो? देखिए आज मैं इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी की प्रोसेस चल रही है, खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अभी तक आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब के अंदर 2% जो खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है, वो 2% के भी नियम इतने मुश्किल हैं कि उसके अंदर जो स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी सिलेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, जो 2% कोटा है वो 2% कोटा भी किसी डिपार्टमेंट में पूरा भर नहीं रहा है। हम सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों की जो नौकरी का 2% है उसके ऊपर हम लोग काम करें और खिलाड़ी जो 2% का कोटा कम से कम पूरा हो और आने वाले समय में खेल की सुविधा। अच्छा, आप तो खिलाड़ी हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि भाई राजस्थान के खिलाड़ी जो कि ग्रास रूट लेवल पर तैयार हो रहे हैं उनको आगे कुछ अच्छे मौके मिलेंगे? देखिए उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, उम्मीद तो एक ऐसी चीज़ है, उम्मीद ख़त्म हो जाएगी उस दिन तो फिर व्यवहार ख़त्म हो जाएगा, मानवता ख़त्म हो जाएगी, उम्मीद तो रहनी चाहिए। चांदना जी, अब मैं खुद अपना प्रचार करूँ कि मुझसे उम्मीद करो, ये तो मेरा काम बताएगा समय आने पर।